पाकिस्तानी महिला सीमा हैदर की उल्टी गिनती शुरू, पाकिस्तान भेजने की तैयारी में पुलिस, आईएसआई से लिंक पर क्या बोले यूपी के टॉप कॉप। इन दिनों पाकिस्तानी महिला सीमा हैदर को लेकर लगातार खबरें निकलकर सामने आ रही हैं। अब खबर आ रही है कि बहुत जल्दी सीमा हैदर को पाकिस्तान भेजने की तैयारी की जा रही है। दरअसल पाकिस्तानी नागरिक सीमा हैदर को लेकर यूपी पुलिस के स्पेशल डायरेक्टर जनरल लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार की तरफ से बड़ी जानकारी निकलकर सामने आई है। उन्होंने कहा कि सीमा को वापस पाकिस्तान भेजा जाएगा। सीमा को लेकर पुलिस का फिलहाल नेपाल जाने का कोई इरादा नहीं है। उसके पाकिस्तानी जासूस होने पर भी यूपी पुलिस के टॉप कॉप की तरफ से ज्यादा कुछ नहीं कहा गया। उन्होंने सिर्फ इतना कहा कि सभी एजेंसियां अपना काम कर रही हैं। यह मसला दो देशों से जुड़ा हुआ है, जब तक कोई ठोस सबूत ना हो इस मुद्दे पर कुछ भी कहना सही नहीं होगा। यूपी पुलिस सीमा हैदर को वापस उनके देश भेजने की तैयारी कर रही है। प्रशांत कुमार ने कहा कि इस मामले में सीमा जेल जा चुकी हैं और फिलहाल वो जमानत पर बाहर हैं। आगे की कार्रवाई की जा रही है, उसे बाहर भेजने की विधिक प्रक्रिया है, उस हिसाब से कार्रवाई चल रही है। पत्रकारों की तरफ से इस पर पूछा गया कि क्या सीमा हैदर को वापस डिपोर्ट किया जाएगा। उन्होंने कहा कि इसके लिए पहले से कानून तय है, उस हिसाब से कार्रवाई की जाएगी। सीमा इस वक्त ग्रेटर नोएडा के रबुपुरा गाँव में अपने प्रेमी सचिन मीणा के घर पर रह रही है। वो अपने चार बच्चों के साथ पाकिस्तान की कराची से पहले यूएई पहुंची, फिर वहां से नेपाल की फ्लाइट पकड़ी। नेपाल में सचिन उसे रिसीव करने पहुंचा था, इसके बाद वो बस पकड़कर ग्रेटर नोएडा पहुंची। सीमा के पाकिस्तानी जासूस होने के एंगल से यूपी एटीएस उससे लगातार पूछताछ कर रही है। सीमा हैदर का कहना है कि उसने सचिन से नेपाल में शादी कर ली थी। वो भारत में आकर कोर्ट मैरिज करना चाहती थी, लेकिन वकील ने कागजात देखने के बाद कहा कि यह शादी संभव नहीं है। इसके बाद वकील ने ही पुलिस को सूचना दे दी, जिसके बाद मई में उसकी गिरफ्तारी हुई। सीमा और सचिन का कहना है कि साल 2019 में वो पबजी गेम खेलते हुए एक दूसरे के संपर्क में आए थे, जिसके बाद दोनों की फोन पर बातचीत शुरू हो गई थी और वो बाद में प्यार में तब्दील हो गई। उसने यूपीएटीएस को बताया कि पबजी खेलने के लिए उसने मारिया खान नाम से आईडी बनाई थी। यूपीएटीएस का ये भी कहना है कि सीमा ने खुद को अनपढ़ बताया था, लेकिन जब उससे अंग्रेजी की एक लाइन पढ़वाई गई तो अच्छे से बिना गलती के उसे पढ़ ले रही थी। फिलहाल सीमा हैदर के मामले में आगे क्या कुछ निकल कर सामने आएगा, एक एक बातें हम आपको बताएंगे। देखते रहिए बीडीएफ न्यूज़। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।